वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई माधव मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग रियल नंबर के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पता नहीं कितने नंबर की वीडियो पर आ रहे हैं। हमें याद रखना है कि हमारा टॉपिक क्या है। टॉपिक है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, मीन्स अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। तो जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि ये अरिथमेटिक्स का मतलब समझते हो, एक एलजेब्रा होता है, ये अंकगणित होता है। अरिथमेटिक्स का मतलब होता है जहां पर हम एक्स वाई जेड ये सब यूज ना करते हो, वेरिएबल टाइप की चीजें हम जहां पर यूज नहीं करते हैं उसको हम लोग अरिथमेटिक्स बोलते हैं। तो अब क्लियर है इतना। एलजेब्रा क्या होता है ना कि उसमें एक्स वाई जेड नंबर से सारी चीजें आ जाती हैं, तो उसको एलजेब्रा बोल देते हैं। और यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या रहेंगे, नंबर्स रहेंगे, तो ये अरिथमेटिक्स है। तो इसमें करना क्या है, या ये जो हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स है, ये एक थ्योरम है। और ये थ्योरम कहता क्या है, बड़ी आसान सी चीज कहता है। ये सब चीजें जो ये थ्योरम बोलेगा यहां पर, ये आप करते आए हो, बस अब इसको थ्योरम के रूप में पढ़ोगे। तो क्या लिखा हुआ यहां पर थ्योरम, लिखा हुआ एवरी कंपोजिट नंबर। कैसा नंबर, कंपोजिट नंबर। मैंने कहा था ना, जब भी मैथमेटिक्स पढ़ो एक एक वर्ड पर ध्यान दो कि क्या लिखा हुआ है, और उनको समझते हुए चलो। मतलब कि उसके लिए मैं ये चीजें बता रहा हूं जिसको आगे मैथमेटिक्स में अच्छा कुछ करना है, कुछ मैथमेटिक्स लेके चलना है, बाकी लोग छोड़ सकते हो। तो ये कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, गुणे के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। किस फॉर्म में, प्रोडक्ट, किसके प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम्स का मतलब कौन सा प्राइम्स, अमेजन प्राइम्स, अमेजन नहीं, ये प्राइम आपका प्राइम नंबर है। एक कंपोजिट नंबर आया, एक प्राइम नंबर आया, एंड दिस फैक्टराइजेशन, मतलब कि आपको फैक्टराइजेशन भी आना चाहिए। फैक्टराइजेशन मतलब क्या हुआ, कोई एक चीज है उसको टुकड़े टुकड़े में तोड़ दिया, उसको फैक्टराइजेशन बोल दिया, ठीक है। इज यूनिक, उसका जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब कि इसका फैक्टराइजेशन केवल यूनिक होगा, मतलब एक ही हो सकता है। ये नहीं कि कोई नंबर मैंने लिखा 4, तो इसका फैक्टराइजेशन मैंने किसी ने 2×2 लिख दिया, किसी ने कुछ और भी लिख दिया, ऐसे नहीं हो सकता है। कोई भी नंबर होगा, कैसा नंबर, कंपोजिट नंबर, उसको जब हम प्रोडक्ट के फॉर्म में शो करेंगे, ठीक है, किसके प्रोडक्ट के फॉर्म में, उसके प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में जब भी शो करेंगे, तो वो फैक्टराइजेशन जो होगा इज यूनिक, वह यूनिक होगा, एक्सेप्ट क्या, फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम्स फैक्टर्स अकर्स। मतलब उसके ऑर्डर जो है इधर उधर हो सकते हैं। जैसे मैं बोलूं, अगर 10 को तुम लोग ऐसे करते हो ना, एलसीएम जो निकालते थे फैक्टराइजेशन, तो कोई करता था 2 5 10, फिर कोई लिखा, फिर 5 से कर दिया, 5 1 5, मतलब इसको लिख दिया 2×5, लिख सकता था, ठीक है। अब इसी को कोई ऐसे भी तो कर सकता था, 10 लिखा तुमने, इसको डिवाइड करना, तो 5 से कर दिया, 5 2 10, फिर 2 1 2, इसने क्या लिख दिया, 5×2। मतलब कि ये जो ऑर्डर है, जो सीक्वेंस है लिखने का, वो चेंज हो सकता है प्राइम नंबर्स का, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन नंबर्स ऐसा नहीं हो सकता कि नंबर्स अलग अलग आगे दोनों में, इसमें भी 2 5 है, इसमें भी 2 5 है, क्लियर है ये। तो इसके कहने का मतलब यही है। और यहां पर लिखा हुआ कि एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब कह रहा है कि किसी भी नंबर को, ठीक है, कोई भी कंपोजिट नंबर है, जब उसको हम फैक्टराइज करेंगे, तो उसके मतलब जो प्राइम्स, उसके जो प्रोडक्ट हैं, उसको हम पावर ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। पावर्स ऑफ प्राइम का मतलब क्या हो गया, उसको भी मैं जरा बताता हूँ, पावर्स ऑफ प्राइम का मतलब थोड़ा सा बता देता हूँ यहीं पर ही, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो कि कोई नंबर है 12, ठीक है, 12 है, इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं, 2 से किया 2 6, फिर 2 से किया 2 3, फिर 3 से किया 3 1, अभी आया ना 2×2×3 आया, मतलब हम इसको लिख दिया हमने कि 2×2×3। ये सारे देखो प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम 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 नंबर। अभी मैं बताऊंगा प्राइम कंपोजिट क्या होता है वो फिर से डिटेल में। इसको हमने 2 के पावर 2 लिख दिया, 3 के पावर 1 लिख दिया, लिख सकते हैं ना।
दो जो है दो बार है तो हम दो के पावर दो लिख सकते हैं और थ्री एक बार, थ्री पावर वन लिख सकते हैं। तो हमने इसको क्या किया, एक्सप्रेस कर दिया किस फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम के फॉर्म में इसको हमने शो कर दिया। ये आपका थ्योरम था। अब थ्योरम के बाद हम समझते हैं कि व्हाट इज प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर क्या है और ये बाकायदा जितनी भी चीजें समझते हैं, ठीक है। इसको जरा जल्दी समझते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, फिर इन सारी चीजों को मैं समझाता हूँ और फिर इसको हम अच्छे से देखेंगे। तो स्टूडेंट्स हम चलते हैं, व्हाट इज प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर ये क्या है, इसको जरा हम शॉर्ट में जल्दी से देख लेते हैं कि प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है। देखो नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं दुनिया में, इवन नंबर सुना है, ऑड नंबर सुना है, नेचुरल सुना है, ठीक है, होल नंबर सुना है, इंटीजर सुना है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, लेकिन ऐसे नंबर्स भी सुना है आपने, प्राइम नंबर्स कुछ होते हैं कुछ कंपोजिट नंबर्स भी होते हैं। तो व्हाट इज प्राइम नंबर, प्राइम का मतलब ऐसी संख्या है, इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या और इसको भाज्य संख्या। अभाज्य मतलब कि ऐसी संख्या, प्राइम नंबर ऐसा नंबर है, इसके दो कंडीशंस होंगे, उन दोनों कंडीशन को याद रखना, प्राइम नंबर के दो कंडीशन होंगे, इट मस्ट बी ओनली टू फैक्टर्स, मस्ट बी ओनली टू फैक्टर्स, केवल इसके दो फैक्टर होंगे, बस दो फैक्टर, ना दो से ज्यादा ना दो से कम। क्लियर बात समझ में आ रही है ना, अगर दो से ज्यादा फैक्टर हो गया तो अभी मैं बताऊंगा फैक्टर क्या होता है, चिंता मत करो। और सेकंड क्या है इसमें, इट डिवाइड्स बाय वन और इटसेल्फ, मतलब कि ये नंबर या तो वन से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा, यही इसके दो फैक्टर भी होते हैं, एक वन इसका फैक्टर हो जाता है और एक जिससे वो डिवाइड होता है वो उसका फैक्टर हो जाता है। अब जैसे मैं कुछ नंबर्स लेता हूं, जैसे हमने टू लिया, टू किससे किससे डिवाइड होगा, वन से डिवाइड होगा और टू से डिवाइड होगा, और भी कोई नंबर है क्या जो टू को डिवाइड कर दे, कोई नंबर नहीं है। इट मस्ट बी ओनली टू फैक्टर्स, केवल दो फैक्टर हो सकते हैं, तो ये कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है एग्जैक्ट। नाउ थ्री, थ्री किससे डिवाइड होगा, वन से और थ्री से, और कोई नंबर है क्या जो थ्री को डिवाइड कर दे, कोई नंबर नहीं है। ओके नाउ फोर, फोर किससे डिवाइड होगा, फोर डिवाइड होगा वन से, टू से एंड फोर से, इसके तो तीन फैक्टर्स हो गए ना, मैंने यहां लिखा केवल दो फैक्टर होना चाहिए, ना दो से ज्यादा और ना दो से कम, तो इसके तीन फैक्टर्स हो गए, इसका मतलब कि ये प्राइम नंबर नहीं है एग्जैक्ट। जो फैक्टर्स दो से ज्यादा हो जा रहे हैं उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, कंपोजिट नंबर्स। व्हाट इज कंपोजिट नंबर, तो हम कहते हैं कि कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स हैं जिसके पास मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं, मतलब दो से ज्यादा होना चाहिए तब उसको हम बोलेंगे वो कंपोजिट नंबर है। तो मतलब कि जो नंबर प्राइम नहीं है वो नंबर्स क्या है, कंपोजिट है। कोई भी नंबर, मैंने फाइव ले लिया, फाइव किससे किससे डिवाइड होगा, वन से, फाइव से, केवल दो फैक्टर्स हैं तो ये केवल हमारा प्राइम नंबर होगा। नाउ सिक्स, सिक्स के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, वन टू थ्री सिक्स, मतलब सिक्स के फोर फैक्टर्स है, मैंने कहा मोर देन टू, मोर देन टू का मतलब थ्री भी हो सकता है, फोर भी, फाइव भी, सिक्स भी, कितने भी हो सकते हैं, वो सब के सब नंबर्स क्या होंगे, हमारे कंपोजिट नंबर्स होंगे, प्राइम तो हो नहीं सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आता है, मैं बोलूं कि सबसे एक नंबर और मैं यहां पर ले लूं, उसके बाद मैं आगे बताता हूं। जैसे मैंने कहा कि एक नंबर है वन, तो वन कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, तो हमने क्या किया, वन का फैक्टर्स निकाला, वन किससे डिवाइड होगा, वन जो है वन से डिवाइड होगा, और किससे डिवाइड होगा, कोई नंबर है ऐसा जो इसका डिवाइड कर दे, कोई भी नंबर ऐसा, कोई भी नंबर नहीं है, तो वन केवल वन को डिवाइड, कितने फैक्टर्स हो गए इसके। अब ऐसा नहीं कहोगे कि वन को हम वन से डिवाइड कर सकते हैं, वन को वन से कर सकते हैं, वन को वन से कर सकते हैं, तो ये सब तो वन ही वन है, ऐसा नहीं कि तीन बार कर दिया ना इसको, तो मतलब कि वन को डिवाइड करने वाला सिर्फ एक नंबर है, वो है वन, सिंगल नंबर है। तो क्या ये वन हमारा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या थी, मस्ट बी ओनली टू फैक्टर्स, केवल दो फैक्टर होना चाहिए इसके, ठीक है, मतलब कि दो होना ही चाहिए, ना दो से ज्यादा ना दो से कम, तो यहां पर एक ही फैक्टर है, तो मतलब ये प्राइम नंबर तो हुआ नहीं। एंड कंपोजिट में, कंपोजिट नंबर दो से ज्यादा होने चाहिए तब वो कंपोजिट होगा, तो इसके फैक्टर तो एक ही है, दो से ज्यादा भी नहीं है, तो हम लिखते हैं कि वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, मतलब कि वन ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो फिर कहोगे सर फिर है क्या, फिर यार ये नंबर तो है ही, इसको रैशनल नंबर बोल सकते हो, इसको नेचुरल नंबर बोल सकते हो, होल नंबर बोल सकते हो, इंटीजर बोल सकते हो, ठीक है, इवन ऑर्ड में कुछ बोल सकते हो,
और बाकी नंबर्स तो है, हाँ कंपोजिट नंबर्स नहीं है और हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसी में हमें चलना है आगे, आप प्राइम नंबर समझ के कंपोजिट नंबर समझ के, यही प्राइम कंपोजिट को ना अब दिमाग में रखना है इसको, इसी के बारे में हम इसमें जितने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स है इसको हम इसमें यही प्राइम कंपोजिट के बारे में यूज करेंगे इन चीजों को। अब यहां पर लिखा हुआ ना प्राइम फैक्टराइजेशन, आप सिंपल फैक्टराइजेशन आपने किया है, आपने सेवन्थ में भी किया है, एट्थ में भी किया है, नाइन्थ में भी किया है, वही सिंपल फैक्टराइजेशन यहां पर है, उससे कुछ अलग नहीं है, वैसे ही एकदम है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना इसमें, अरे ये क्या आ गया क्या आ गया, बस यहां पर क्या लिखा हुआ ना प्राइम फैक्टराइजेशन करते तुम प्राइम फैक्टराइजेशन ही थे, लेकिन बच्चों को भी ऐसे बोल दो ना कि ऐसे 12 लिख दिया, ऐसे कर दिया, तो ऐसे करते हैं कि 12 का एलसीएम निकाल दे, उनके दिमाग में एलसीएम आता है बार बार कि एलसीएम अलग तरह करेंगे, क्या एलसीएम अलग तरह करेंगे, तो करना वैसे ही है, ठीक है, लेकिन उनके दिमाग में उनको पता नहीं कि वो कर क्या रहे हैं, वो बोलते हैं एलसीएम निकाल दे, क्या इसका एलसीएम, तो एलसीएम निकाल दे निकाल दिमाग में जो भी रहे, लेकिन आपके दिमाग में ना जाए कोई भी नंबर है इसको क्या करना है फैक्टराइज करना है, लेकिन कैसे करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब कि आपको किसी नंबर को फैक्टराइज करना है, तोड़ना है टुकड़ों में, ठीक है, कैसे मल्टीपल्स में प्रोडक्ट में, लिखा था ना थ्योरम में प्रोडक्ट में तोड़ना है, वो भी प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए प्राइम्स होने चाहिए, मतलब कि प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में इसको तोड़ देना है नंबर्स को, तो 12 को मान लो तोड़ना हो तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो इसको हमने तोड़ा तो हमने इसको लिखा ऐसे ही करते थे ना 2 6 12, फिर 2 से क्या 2 3 जा, फिर 3 से 3 1 जा। अब इसमें एक चीज में कंफ्यूज मत होना कभी, जैसे कि मान लो कोई बच्चा ऐसे कर दे 12 है तो उसके दिमाग में यह सकता है लिख देने इस तरीके से 6 2 जा 12 2 1 जा 2, लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है, लिख सकता है, लेकिन अभी ये केवल फैक्टराइज किया इसने, प्राइम फैक्टराइज नहीं किया इसने, क्यों नहीं किया, 6 प्राइम नंबर नहीं है, आपको पता है 6 प्राइम नंबर नहीं है, मैं आपसे बोलूं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है तो पता है कौन सा है ना 2 है, 2 से छोटा 1 है, 1 प्राइम नहीं है ना ऑड है, मतलब कि 1 जो है प्राइम नहीं है ना ही कंपोजिट नंबर है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। मैं बोलूं सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर तो भी यही है, मैं बोलूं कि सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर तो सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर कौन सा होगा 3 होगा सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर, तो ये ऑड नंबर से भी प्राइम नंबर है, क्लियर है ये, चलो ठीक है। अब यहां पर देखो तो ये समझ में बात आ रही है 6 डिवाइड, तो यहां पे क्या हो गया, ये हो जाएगा 6 into 2, हमने प्रोडक्ट में तो सेट कर दिया इसको, लेकिन यहां पर जो एक प्रोडक्ट है ये वाला नंबर प्राइम है बट ये वाला नंबर कंपोजिट है, जबकि हमने कहा था ये जो थ्योरम है ये कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होना चाहिए, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट होने चाहिए, इसका मतलब ये गलत हो गया। तो अगर मान लो ऐसे नहीं किया हमने तो कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है इसको कि तुमने यहां पे 2 से डिवाइड किया है, उसने 3 से डिवाइड कर दिया, 3 4 जा 12, अब 2 से किया 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, मतलब किसका प्रोडक्ट आया 3 into 2 into 2, ये आ गया, और इसी को लिखना कैसे लिख सकते हो 3 into 2 पे पावर 2, 2 जो 2 बार 2 पे पावर 2 लिख दिया, ये लिखने की आदत डाल लो पावर के फॉर्म में, क्योंकि ये जब हम एलसीएम एससीएफ निकालेंगे तो वहां पे इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो एलसीएम एससीएफ उंगलियों पे निकाल दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। आज ये बच्चे एससीएफ निकालने में परेशान हो जाते हैं कि एससीएफ कैसे निकलेगा, एलसीएम किसी तरीके से निकाल भी लेते हैं लेकिन एससीएफ में परेशान हो जाते हैं, तो ये चीज तुम्हें दिमाग में रहे तो एलसीएम निकालना आसान, एससीएफ निकालना आसान रहेगा। अब इसको जब किए हो तो यहां प्रोडक्ट क्या आया 2 into 2 into 3 आ गया, आया ना, तो यहां पे देखो केवल क्या चेंज हुआ है, केवल हमारा प्लेस चेंज हुआ है, यहां 3 था आगे, यहां पे 2 आगे, 3 पीछे, लेकिन नंबर्स तो वही सेम है इसमें भी। अब यहां पर इसको क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर into 3 लिख सकते हो इस तरीके से। अब देखो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये तीनों नंबर्स क्या है प्राइम है, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। वहां तुम्हारे थ्योरम में लिखा था कि यूनिक फैक्टराइजेशन, याद आ रहा है कुछ, तो यूनिक फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि अगर मैं प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है तो हमने ये 12 को लिखा है, 12 को लिख दिया हमने कि 2 into 2 into 3, तो उसमें लिखा था कि सीक्वेंस तो चेंज हो सकता है लेकिन ये जो फैक्टराइजेशन है यूनिक है, ये चेंज नहीं हो सकता है, मतलब कि हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 12 को कि 4 into 3 लिख दें,
तो ये हमारा जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है इसको फॉलो नहीं करेगा। हम इसको ऐसे नहीं ले सकते, हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखना है, तो ये गड़बड़ हो गया। हम इसको ऐसे भी नहीं ले सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर दें, 6 × 2 लिख दें, ऐसे भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये कंपोजिट हो गया, प्राइम हो गया। हमें जो भी नंबर लेना प्राइम लेना है, चाहे आप सबसे बड़ा नंबर पहले से शुरुआत कर दो या छोटे नंबर से स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई क्लियर। तो हमें यहां पर एक चीज दिया हुआ है, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करने आता है, मैं मान के चलता हूं, क्लियर। तो यही जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसको हम फैक्टर ट्री मेथड से कैसे करेंगे। एक दो बार कई बार एग्जाम में एक नंबर में आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ट्री मेथड तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, हमने तो ये पता नहीं कौन सा मेथड पढ़ा है, ऐसे करके ये कुछ झंडे खिड़की टाइप का दिखता है, जो है इधर से एक लाइन और ड्रॉप कर दे तो ये सीढ़ी टाइप का हो जाएगा, यहाँ नंबर होता तो यहाँ नंबर ऐसे लिखते थे, तो हमने ट्री मेथड नहीं पढ़ा है। लेकिन आपने अगर आरडी शर्मा की बुक को देखा होगा आप लोगों ने कभी, तो उसमें ये ट्री मेथड गिवन है और आरएस अग्रवाल में भी गिवन है। ठीक है, तो ये कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो ये जानना जरूरी है आखिर ट्री मेथड कि आखिर ट्री मेथड होता क्या है और उस पर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। ठीक है, तो हमें एक बार ट्री मेथड के थ्रू एक फैक्टराइजेशन करते हैं नंबर को, फिर उस पर एक क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कैसे उनको समझेंगे। जैसे मान लो कि एक नंबर है 140, इसको हमें फैक्टराइज करना है कैसे, ट्री मेथड से। तो इसमें एक तो वो ट्री जैसा बनता है, बनता क्या है मतलब पता नहीं, वो ट्री दिखता नहीं लेकिन पता नहीं क्यों बोलते हैं, एक चेन दिखता है वो। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से करते हैं उसको, 140 एक नंबर है, सर्कल बना दिया इसको या बॉक्स बना देते हैं स्क्वायर में, कैसे जैसे तुम्हें सुंदर लगे। हमने यहां से एक टांग निकाला, एक टांग इधर निकाल दिया और यहां पर एक या तो गोला बना दो या स्क्वायर भी बना सकते हो। तो 142 से जाएगा ये, 2 से कितनी बार में जाएगा ये, तो इसको लिख दिया हमने, 2 से ये जाएगा कितनी बार में, 2 × 7 = 70 बार में चला गया। ओके, ये क्लियर। सेम ऐसे 140 से निकाला, अब इस 70 से निकाल दो। ठीक, 70 कितनी बार में जाएगा, पहले तो ये देखो 70 को किससे डिवाइड करोगे, 70 भी 2 से डिवाइड होगा, कितनी बार में जाएगा ये 70, तो 70 गया 35 बार में 2 से। नाउ 35 को किससे डिवाइड करोगे, अब ये 5 से डिवाइड होगा, 5 से कितनी बार में जाएगा, 5 × 7 = 35। 7 किससे जाएगा, 7 को हमने किससे कट कर दिया, 7 को 7 से, तो कितना बचा इधर, 1 बच गया। ऐसे करते हैं हम इसको। अब देखो क्या करोगे, ये 2 × 2 = 5 = 7, मतलब 2 × 2 × 5 × 7, यही हमारा क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन का ही प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने शो कर दिया। और इसी को पावर के फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 5 एक ही बार है, 7 एक ही बार है, इसको ऐसे लिख दिया, ये हमारा तैयार। मान लो कभी कोई नंबर मिसिंग हो, मैंने इन नंबर्स को मिसिंग कर दिया, मान लो अभी के लिए मान लो कि ये मिसिंग है, इधर के नंबर तीनों, ये भी नंबर गायब है और ये और ये 7 गिवन है, तो और ये लास्ट में एक नंबर गिवन है तुमको, तो कैसे पता करोगे कि यहां कौन सा नंबर है, यहां कौन सा नंबर है, यहां कौन सा नंबर है, यहां कौन सा नंबर है। तो अभी मैं तुरंत हिंट देता हूं और इसी पर एक क्वेश्चन करेंगे और वीडियो कहीं पर खत्म करेंगे, गर्मी बहुत ज्यादा है, झेलने लायक गर्मी नहीं है। ठीक है, सारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है एनवायरमेंट के आगे। चलो नेक्स्ट वीडियो को बाद में रिकॉर्ड करेंगे कल, इसको लाइट ही नहीं, काफी टाइम से लाइट नहीं है यहां पर। तो यहां पे 1 से क्या किया, मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 7 कितना आ गया, 7 हमने भर दिया इसको, 7 का 5 मल्टीप्लाई किया, 7 × 5 = 35 यहां का भी आ गया, अब 35 आ गया, ये भरना था हमको, तो 35 × 2 = 70 ये भर गया, ये भी गायब है मान लो, तो 72 × 140। तो ऐसे क्वेश्चन एक दो बार आए हुए एग्जाम में, तो जरा इसको हम जल्दी से देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के फॉर्म में। तो यहां पर एक क्वेश्चन गिवन है आपको, इस क्वेश्चन ने आपसे सिंपल सा क्वेश्चन ये किया हुआ कि ये बॉक्स खाली दिख रहा है। अब देखो ये डिजाइन समझ में आ जा रहा है ना, ये डिजाइन कहीं दिख जाए तो समझ जाना कौन सा मेथड है, ये ट्री मेथड है। तो ये नंबर तुम्हें भरने हैं कि ये नंबर्स क्या क्या है, तो कभी भी एक नंबर में आ जाए तो परेशान मत हो जाना कि कैसे भरें इसको, मैंने बताया ना क्या करना है, यहां से इसको क्या करते हो मल्टीप्लाई, यही तो करते हो ना, कोई नंबर ऐसे होता है मान लो 12, इस तरीके से इसको फैक्टराइज करना है, तो हमने 2 से किया तो 2 × 6 = 12 होता है, ऐसे लिखते थे। अब इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये नंबर आ रहा है, तो नीचे से देखो जरा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो कौन मिलेगा, ये मिलेगा, मिलेगा ना,
फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कौन मिलेगा, ये मिलेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कौन मिलेगा, ये मिलेगा। ये हमेशा सीक्वेंस याद रखना है। तो 3 2 6 ये हो गया। नाउ 6 5 तो ये मिला, कितना मिला 30। नाउ 35 150 हो गया। तो सिंपल सा ऐसा चीजें थी। तो आपका जो अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स यहाँ पर खत्म होता है। बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ था नहीं ऐसा कुछ भी कि इसमें बहुत कुछ समझना था। ये सारी चीज़ें आप बचपन से करते आए हो, जब आप दिमाग आपके दिमाग में मतलब कि खोपड़ी में जब भी दिमाग आया होगा तब से इसको कर रहे हो आप लोग। तो इसमें परेशान नहीं होना है, ठीक है। इससे क्वेश्चन जितना मैंने यहाँ बताया ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया, ताकि आगे जो चीज़ें इसमें पढ़ी जाएँ वो चीज़ आपको समझ में आए। अभी आगे इसमें हम 6 to the power n के फॉर्म में जो नंबर्स आते हैं आपको उस याद आ रहा होगा, ठीक है। उस पर वीडियो लेकर के आएंगे, फिर आगे इस पर हम इस टॉपिक पर 4-5 वीडियो छोटी छोटी लेकर के आएंगे, उन सबको देखेंगे और इस पर सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कोई डाउटिंग होना चाहिए, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स को हम लोग बहुत ही डीप में पढ़ रहे हैं और चीज़ें क्लियर होंगी। क्यों नहीं होंगी, जब अच्छे से पढ़ोगे सब क्लियर होगा, ठीक है। परेशानियाँ आएंगी जाएंगी, आपका विश्वास बना रहना चाहिए। तो ये चीज़ आज आप मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम होगी। प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, ये सब यार कब से पढ़ते आ रहे हो, ये एलसीएम से निकालते कब से आ रहे हो, लेकिन कॉन्सेप्ट कब क्लियर हो रहा है, अब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अच्छा अच्छा, ये जो एलसीएम बोलते हैं तो उसको फाइन फैक्टराइजेशन बोलते हैं, ओ माई गॉड। तो ठीक है, तो सारी चीज़ करते हुए आए हो, बस उसका नया नया नाम तुम्हें दिखने को मिल रहा है अब। तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, बढ़ते रहना है, करते रहना है। चलो चलते हैं, ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई प्रॉब्लम्स के साथ, क्योंकि हमारी मुलाकात होती है केवल प्रॉब्लम्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर। बहुत गर्मी है भाई, भाई। गर्मी में पढ़ाने का मजा ही कुछ हो रहा है। ओके, बाय बाय, बाय बाय।